अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हमाद। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनोमियल्स को। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसकी डिवीजन वगैरह देखी थी, सिंथेटिक डिवीजन देखी थी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों को पता है कि जो सोल्यूशन होता है या फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेम हैं, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन होते हैं उन्हीं को जो है हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो रूट्स होते क्या हैं, ठीक है। हम देखते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर द सॉल्यूशन फॉर एनी गिवन पॉलिनोमियल फॉर विच वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल, ठीक है। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, वही सिंपल है कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। विच वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल, यानी कि जिसको हम अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। If we know the roots, we can evaluate the value of the polynomial to zero. ठीक है, an expression of the form. जैसे ये expression लिखा हुआ है polynomial expression, ठीक है, polynomial लिखा हुआ है। हमने polynomial जब पढ़ा था start में, तो हमने ये चीज़ polynomial की form जो है वो discuss की थी। Where each variable has a constant accompanying it is as its coefficient is called a polynomial of degree n. ठीक है, coefficient of degree एन कहलाएगा इसका, जो भी है आपके पास ये है ना, कोफिशियंट ऑफ डिग्री एन इन वेरिएबल एक्स। और चूंकि हमारे पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो है वो एक्स है, तो इसलिए वेरिएबल जो भी एक्स होगा या वाई होता है, जी होता है, जो भी होगा उस वेरिएबल में होगा। ईच वेरिएबल सेपरेटेड विद एन एडिशन आर सब्ट्रैक्शन सिंबल इन द एक्सप्रेशन इज बेटर नोन एज द टर्म। ये सारी की सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हैं कि टर्म्स क्या होती हैं। तो वही है, ये टर्म्स को जो है हम एडिशन या जो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन के सिंबल्स हैं जो वो हम टर्म्स को डिवाइड करते हैं। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जो हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। For example, a linear polynomial of the form ax plus b is called a polynomial of degree 1. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ax plus b क्या है, polynomial है, but polynomial of degree 1 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हाइएस्ट पावर जो हमें नजर आ रही है वो है 1, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, polynomial of degree 1. Similarly, quadratic polynomials and cubic polynomials have a degree of 2 and 3 respectively. ये सारी की सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हैं, एक रिव्यू ले रहे हैं हम जस्ट उसका। अ पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म इज नोन एज अ मोनोमियल। अ मोनोमियल कंटेनिंग ओनली अ कांस्टेंट टर्म इज सेट टू बी अ पॉलिनोमियल ऑफ जीरो डिग्रीज। अ पॉलिनोमियल कैन अकाउंट टू नल वैल्यू इवन इफ द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स आर ग्रेटर देन जीरो। इन सच केसेस वी लुक फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स which set the value of entire polynomial to zero. These values of a variable are known as the roots of polynomial. Sometimes they are also termed as zeros of the polynomials. ठीक है, तो मतलब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि roots of polynomial या फिर zeros of polynomial या solution of polynomial जो है वो सारी की सारी चीजें एक ही चीज है, बस ये different name है, बाकी चीज़ जो है एक ही है, मेथड वही है। जैसे हम रूट्स फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल के, जैसे हमने पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर्स में भी, वैसे ही होगा। तो अब देखते हैं हम फार्मूला, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स फार्मूला, के रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम किस फार्मूले से फाइंड करेंगे। द पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ये पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है उसका जो लिखने का, पॉलिनोमियल जो है जनरल फॉर्म जो है। द फार्मूला फॉर द रूट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल सच एज ए एक्स प्लस बी इज एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव बी ओवर ए, ठीक है, ये जो हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है उसको फाइंड करने का फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव बी ओवर ए, ठीक है। द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो
क्वाड्रेटिक जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी जनरल एक्सप्रेशन है. एंड इफ वी इक्वेट द एक्सप्रेशन टू जीरो वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, अब ये हमारे पास जो बन गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है वो आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे पास क्या आते हैं, हमने सॉल्व भी किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac जो हमारे पास आते हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इस फॉर्म में आते हैं, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इस फार्मूले से फाइंड करते हैं. द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज डिग्री इज 2 सच एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर इवेल्युएटेड यूजिंग द फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a. ठीक है ना, ये वाले जो हमने सॉल्यूशन फाइंड करे थे वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे पास रूट्स हैं. ठीक है, इससे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे. अच्छा, अब हम देखते हैं कि रूट्स ऑफ द 3 डिग्री पॉलिनोमियल. ठीक है, पहले हमने देख लिया कि जो लीनियर हमारे पास पॉलिनोमियल था उसका जो हमारे पास फार्मूला क्या था रूट्स फाइंड करने का, वो था x इज इक्वल टू नेगेटिव बी ओवर ए. उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसको हमने कैसे फाइंड किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने रूट्स फाइंड किए हैं वो फार्मूला हमारे पास बनता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a. तो अब हम देखते हैं कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो है जो रूट होगा कैसे हम फाइंड करेंगे. रूट्स ऑफ 3 डिग्री पॉलिनोमियल, टू फाइंड द रूट्स ऑफ द 3 डिग्री पॉलिनोमियल वी नीड टू फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन. ठीक है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी और फैक्टराइजेशन करके उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, यानी कि जो या तो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा और एक हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो फिर हम लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट सो दैट वी गेट अ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, जब हम 3 डिग्री पॉलिनोमियल को या क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लीनियर और क्वाड्रेटिक दो इक्वेशंस बन जाएंगी. ठीक है, लीनियर भी और क्वाड्रेटिक भी. देन वी कैन इजीली डिटरमिन द जीरोस ऑफ द 3 डिग्री पॉलिनोमियल. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं हम कैसे 3 डिग्री पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं. चलिए देखें, अब हमारे पास एग्जांपल है 2x³ - x² - 7x+2. अब आप लोग इस एग्जांपल में देखिए तो ये हमारे पास 3 डिग्री पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है. तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करने का मेथड हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले जो है हमने इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगी. डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय एक्स माइनस टू सिंस इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स. ठीक है, यहां से जो है इसको जो है हमने किया है रिजॉल्व, फैक्टराइजेशन की है. जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास जो है ये वाले दो एक्सप्रेशन आ जाते हैं. ठीक है, और ये इसको किया हुआ है इसने डिवाइड, x माइनस टू से जब हम इसको डिवाइड करेंगे या लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फिर सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस टू जो है वो हमारा इसका रूट बनेगा. तो x माइनस टू और 2x² + 3x - 1 जो है ये हमारा जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी. अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक जो फैक्टर हमारा है x माइनस टू ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल, और ये साथ वाला जो है 2x² + 3x - 1 ये जो हमारा बन गया ये क्वाड्रेटिक. ठीक है, अब दोनों को जो है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी कैन गेट द रूट्स ऑफ द अबव पॉलिनोमियल सिंस वी गॉट वन लीनियर इक्वेशन एंड वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच वी नो द फार्मूला. यानी कि इनको सॉल्व करने के हमें फार्मूले ऑलरेडी पता है तो उन फार्मूलाज की मदद से हम इजीली इनके जो है रूट्स फाइंड कर सकते हैं. फाइंडिंग द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड करने का मेथड क्या है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री 1 एज गिवन बिलो. ठीक है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया हमने जिसकी डिग्री जो है वो 1 होगी. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1. ये आप लोगों को नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे कि ये जो 5x + 1 जो है हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है. तो अब हमने करना क्या है, डेफिनेशन के मुताबिक जो है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल
ए इज द रूट ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इफ, अब ए जो है हमारा रूट, मतलब अगर एक्स की जगह पे हम वैल्यू ए पुट करते हैं, ए हमारा रूट तब बनेगा अगर हम क्या करें, पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो। अब इस पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर तो हम एक्स की जगह पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे ए पुट करते हैं सपोज, और उसको हम इक्वल टू जीरो रखेंगे, ठीक है, इक्वल टू जीरो रख के जो है हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। दस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब ये है कि रूट्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हम पुट करेंगे जो हमारा पॉलीनोमियल होगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से x की जो वैल्यू हमारे पास आई वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू नेगेटिव 1 बाय 5, हेंस नेगेटिव 1 बाय 5 इज द रूट ऑफ द पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स। अब नेगेटिव 1 बाय 5 जो है हमारे पास वो क्या बन गया है, रूट ऑफ पॉलीनोमियल बन गया है। अब रूट ऑफ पॉलीनोमियल कैसे बना, यहाँ पे हमने लिखा था कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो एक्स की हमारी वैल्यू आई है वो ऐसी वैल्यू होगी कि जिसको हम पुट करें तो हमारा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि पॉलीनोमियल हमारा जीरो हो जाएगा। अब एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो नेगेटिव 1 बाई 5 आई है, तो इसमें आप पुट करके देखें एक्स की वैल्यू नेगेटिव 1 बाई 5, जब नेगेटिव 1 बाई 5 इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे कंडीशन पढ़ी थी कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 1 बाई 5 जो है हमारा पॉलीनोमियल का सोल्यूशन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1 का। आगे एग्जांपल देखते हैं, चेक वेदर नेगेटिव 2 इज अ रूट ऑफ पॉलीनोमियल 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें नेगेटिव 2 रूट हमें ऑलरेडी दे दिया है, अब हमने चेक ये करना है कि आया कि ये नेगेटिव 2 हमारे पॉलीनोमियल का रूट है भी या नहीं, रूट उन्होंने दे दिया है, जस्ट हमने ये चेक करना है कि रूट है या नहीं। तो अब रूट चेक करने का क्या मेथड है कि हमने ये जो नेगेटिव 2 जो हमें x की वैल्यू गिवन है रूट गिवन है हमने अपने वेरिएबल x की जगह पे पुट करना है और चेक करना है जो हमारा पॉलीनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आता है या नहीं। अगर तो इक्वल टू जीरो आएगा तो जो नेगेटिव 2 जो है वो हमारा रूट कहलाएगा, अगर तो नेगेटिव 2 की जो है अगर पुट करने के बाद पी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आए तो इसका मतलब है नेगेटिव 2 जो है वो इस पॉलीनोमियल के रूट नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, लेट द गिवन पॉलीनोमियल इज, सबसे पहले जो हमारा पॉलीनोमियल है उसे लिख लिया है, पॉलीनोमियल को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू नेगेटिव 2, ये देखें नेगेटिव 2 पुट किया है, जहां जहां x की वैल्यू आ रही थी नेगेटिव 2 पुट किया है, तो नेगेटिव 2 पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है नेगेटिव 12, तो पी ऑफ नेगेटिव 2 जो यानी कि पी ऑफ x हमारा है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो मतलब क्या हुआ, नेगेटिव 2 जो अगर पुट करने के बाद इक्वल टू 0 आता तो तब नेगेटिव 2 जो है हमारा पॉलीनोमियल का रूट कहलाता, बट यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आया है इसका मतलब जो नेगेटिव 2 है वो हमारा इस पॉलीनोमियल का रूट नहीं होगा। देयरफॉर नेगेटिव 2 इज नॉट अ रूट ऑफ द पॉलीनोमियल 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल देखें, फाइंड द रूट ऑफ द पॉलीनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को स्प्लिट किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया है, पेयर बनाए हैं, यहाँ पे हमने पेयर बनाए हैं, जो हम फैक्टराइजेशन मेथड था हमारा पेयरिंग वाला वो मेथड किया है, उसे अप्लाई किया है, 5x माइनस 3x बनाया है 2x को, 2x को हम लिख सकते हैं ना 5x माइनस 3x, तो ये पेयर बनाए हैं फैक्टराइजेशन की, और फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन आता है या रूट पॉलीनोमियल के आते हैं वो क्या आते हैं, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू नेगेटिव 5। तो मतलब ये है कि जो हम यहाँ पर पुट करते हैं, जैसे कि हमने ये पुट किया है, अगर आप लोगों को समझ आई हो कि रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, तो रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल सेम कैसे हैं,
मतलब रूट जो है सोल्यूशन है, सोल्यूशन को भी सोल्यूशन को ही हम रूट बोलते हैं। इसको जीरोज इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास जो ये वैल्यूज आती हैं, यानी कि जो रूट आए हैं, अगर इन रूट को हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमारा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो आ जाता है, यानी कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इस थ्री को पुट करें, एक्स की जगह पे एक बार थ्री को पुट करें तो नाइन आ जाएगा प्लस सिक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे नाइन प्लस सिक्स का आ जाएगा फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन जीरो, पी ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये रूट्स, ये सॉल्यूशन हम अगर इसमें पुट करते हैं पॉलिनोमियल में तो हमारा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो आ जाता है, इसलिए हम इनको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।